नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। आज हमारे पास उत्तराखंड के लोगों के लिए एक ऐसी खबर है जो आपको उत्तराखंड सरकार की निष्क्रियता और सुस्ती से परिचित कराएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसमें 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अब उनको उनके ही राज्यों में रोजगार दिलाया जाएगा। इस प्लान में बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, उड़ीसा के 3 जिले और झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें उत्तराखंड का एक भी जिला शामिल नहीं है जहां पर केंद्र की तरफ से रोजगार योजनाएं चलाई जाएंगी, जबकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अरसों से पलायन की मार झेल रहा है। रोजगार के अभाव में उत्तराखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी घर लौटे हैं और अभी भी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है। हालांकि प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोकने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इसके पंजीकरण में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं और इसकी प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, इसके तहत कब तक बेरोजगारों को लोन मिलेगा और जमीनी स्तर पर आते आते इसमें कितना समय लगेगा और जो लोग रोजगार चाहते हैं उनका क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही रोजगार योजना में भी उत्तराखंड का नाम नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड की सरकार हर छोटे छोटे फैसलों के लिए केंद्र सरकार का मुख देखती है, तो केंद्र की तरफ से चलाए जा रहे इतने बड़े रोजगार अभियान में क्यों उत्तराखंड शामिल नहीं है? क्या उत्तराखंड में प्रवासी वापस नहीं लौटे हैं या फिर उत्तराखंड की सरकार के पास प्रवासियों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं? अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने प्रवासियों के लिए इतने बड़े स्तर पर रोजगार योजनाएं चला रही है, इसके बावजूद भी उनके मुख्यमंत्री की सक्रियता के कारण केंद्र की रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में चलाई जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की निष्क्रियता और सुस्ती के कारण उत्तराखंड रोजगार योजना में शामिल नहीं है। ना ही उत्तराखंड इतना संपन्न राज्य है, ना ही उत्तराखंड में रोजगार के अवसर हैं। इसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार ऐसे मौकों का फायदा उठाने से चूक जाती है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।